कर भगवान की पूजन में लगा और पुष्प दंत ने एक स्त्रोत भगवान शंकर की पूजन में पढ़ दिया जिसका नाम शिव महिमन स्त्रोत। कौन सा स्त्रोत है? शिव महिमन स्त्रोत। ये पुष्प दंत ने रचा। जो शिव महिमन स्त्रोत पढ़ा, शिव जी प्रकट हो गए। पुष्प दंत देखिए, जिन लोगों के मोबाइल नंबर पे 14 या 41 एक साथ आ रहा है, जैसे 983341 या प्रकट हो गए। पुष्पदंत क्या चाहिए तुमको? पुष्पदंत कहते हैं, मुझे चित्ररथ के यहाँ फूल चुराने का पाप लगा, पत्ती चुराने का पाप लगा, चोरी की गई वस्तु से मैंने आपकी आराधना करी उसका मुझे दोष लगा। मेरी गलती है कि मैं चित्ररथ राजा से पूछ नहीं पाया कि तुम्हारे यहाँ से मैं पत्ती ले सकता हूँ, मैं फूल ले सकता हूँ। मैं तो ये सोच रहा था कि भगवान की पूजन करना है तो पूछने की जरूरत क्या। जितने लोग शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल पर फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने लोग भाटा पारा की पावन धरा पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुनना। पुण्य कमाने के चक्कर में हम भी कई पाप कर बैठे। केवल पुष्पदंत अकेला नहीं, आप और हमने भी ऐसा करा होगा, भगवान की पूजन करने के चक्कर में कहीं से फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे। सोचा होगा भगवान कुछ जल रहा है, कुछ फूल पत्ती लेकर आ गए होंगे तो मन में आ गया हो, मन में विचार आ, मन में भाव जागृत हो गया होगा कि हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो भगवान के लिए कर रहे हैं, हम भगवान के लिए कर रहे हैं। ये हमारे भीतर भाव जागृत हो, हमारे भीतर ये भाव जागृत होगा कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, हम तो पुण्य के लिए कर रहे हैं। नहीं नहीं, हमें किसी की वस्तु को नहीं खरीदना। शंभु शरणे भगवान पुष्पदंत ने जब भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, स्मरण करा, शंकर भगवान का शिव महिमन स्त्रोत का पाठ करा, शंकर भगवान सामने प्रकट हो